नमस्कार। यूपी मिश्रा का मैं अपनी आवाज से ही बोल रहा हूँ और मैं थोड़ा परिचय आज मंगल ग्रह का दे देना चाहता हूँ। कारण कि अगले एक दो दिन या ज्यादा भी लग सकता है मंगल के बारे में ही बताऊंगा। मंगल नाम तो मंगल भलाई करने वाले ग्रह और है भी जिनके लिए ये पॉजिटिव हैं या अनुकूल हैं उनको तो ये राजा बना सकते हैं, सार्वभौम राजा बना सकते हैं, अमेरिका के राजा बना सकते हैं, चीन के राजा बना सकते हैं, भारतवर्ष के राजा बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। ये जिनके लिए ये पॉजिटिव है पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देंगे, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पावर टू पनिश इवन दंडाधिकारी। इस ग्रह में बहुत ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि यदि ये पॉजिटिव ऊर्जा किसी के लिए हो तो वो आदमी यदि पढ़ा लिखा भी हो, उसके पास जीवन जीने का शैली हो, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। यदि कुंडली में मंगल बहुत बली हो, अच्छे ग्रहों से देखे जा रहे हो, तो यदि कोई लड़का की कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो वो अग्नि की पढ़ाई कर सकता है, वो साइंस पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग पढ़ सकता है, या वो साइंटिस्ट बन सकता है, या कोई भी चीज ऊंची से ऊंची लेवल की चीज उसके लिए प्राप्त रहेगी। सामान्य बलि हो तो वो मिट्टी से जिएगा, सिविल इंजीनियरिंग होगा उसका, मेहनत करेगा तो ईटा भी बना सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है, या जनरेटर से लाभ कमा सकता है, आग से लाभ कमा सकता है, पुआल बेच सकता है, हर वो चीज जिसमें अग्नि है उसका व्यापार कर सकता है। बहुत ऊर्जा है इसमें, बहुत ऊर्जा है। यदि आदमी माइंस में जाए तो आयरन माइंस को ये ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। वैसे माइंस जो सतह से ऊपर हैं, सतह से नीचे जो माइंस हैं जैसे कोयला वगैरह, इसको शनि रिप्रेजेंट करता है। तो गर्म पत्थर, मूल्यवान पत्थर, वेरी कॉस्टली पत्थर, और आग कहीं भी जलता हो, चाहे आपके किचन में आग हो, मंगल के अधीन आ जाएगा, आपके कारखाने में आग जल रहा है, वो क्षेत्र मंगल के अधीन हो जाएगा, आपके पास ऐसे कारखाने हो जहां पर सब चीज जलाए जाते हैं, मंगल के अधीन का चीज हो जाएगा। छोटे से छोटे काम के लिए जो लोग आग से कुछ काम करते हैं, जैसे लोहार साहब हैं जो लोहे अग्नि में तपा करके पीटते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसे औजार बनाते हैं, छेनी बनाते हैं, खेत जोतने के लिए हल बनाते हैं, या जो जनरेटर लगाते हैं, जो बिजली का काम करते हैं, मंगल आग, एक शब्द में आग, और शरीर के अंदर मंगल जो है एकदम ऊर्जा, बिल्कुल ऊर्जा,
यदि किसी का मंगल मरा चरा गया गुजरा हो किसी के कुंडली में, तो उसको उठने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। इवन नीच का मंगल अशुभ नहीं होता, इस चीज को एकदम समझ लीजिए, नीच का मंगल अशुभ नहीं होता, जैसे नीच का चंद्रमा भी अशुभ नहीं होता। कारण कि ये अपने जगह से त्रिकोण में रहते हैं, चार चंद्रमा का घर है तो चार पांच छह सात आठ, वे पंचम त्रिकोण में रहते हैं चार से। तो जो भी ग्रह अपने स्थान से त्रिकोण में चला जाए वो शुभ होता है, तो मंगल शुभ है। एक से मंगल आठवें घर में होते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, मंगल यदि चार में रहे तो नीच होते हैं, एक दो तीन चार केंद्र में हो गए शुभ स्थान में, तो इसलिए कोई भी ग्रह जो अपने स्थान से शुभ स्थान में चला गया है वो नुकसान नहीं करता। इस चीज को थोड़ा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मंगल बहुत ऊर्जावान ग्रह है और मंगल आग को बोलते हैं। कहीं भी जैसे जंगलों में आग लग जाती है, दावा नल बड़वा नल ये बड़े उत्पात के ये सब सूचक होते हैं, समुद्र में आग लग जाना, जंगलों में आग लग जाना, समुद्र में आग लगती है सर, मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, पूछ लीजिएगा बड़े बुजुर्गों से या साइंटिस्ट पूछिए बताएंगे आप। और मंगल है तो आप मुझसे मजिस्ट्रेट भी हो सकते हो, यदि थोड़ी भी गुरु की कृपा है या बुद्ध की कृपा है आपके कुंडली में, या सिंपल मजिस्ट्रेट हो सकते हो, पावर टू पनिश दंडाधिकारी, तो मंगल की महिमा अपार है। लेकिन मंगल यदि नेगेटिव हो गया आपके कुंडली में तो आपकी तो ऐसी की तैसी कर देंगे, पीने नहीं देंगे। जैसे मंगल किसी लड़की के कुंडली में या लड़के के कुंडली में लग्न में हो, ट्वेल्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सेवन्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, तो या तो मंगला या मंगली कहलाएगी, लड़के या लड़की। दाम्पत्य जीवन कष्ट में बीतता है, लाख जतन कर लीजिए, लाख जतन कर लीजिए, कुछ नहीं होना, कष्ट तो होगा। अब मैं कहूँ कि ये पूजा कर लो वो पूजा कर लो मिट जाएगा, मैं झूठ बोल रहा हूं। भगवान ने जब मंगल इतने बलशाली ग्रह को आपके लिए निगेटिव करके रखा आपके कुंडली में, तो ईश्वर तो कोई गलत काम नहीं करते ना, आपको दंड पाना है, इसलिए मंगल को भगवान ने ऐसे स्थान में रखा। यदि मंगल आपके चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा माने मन, मंगल माने आग, आपके मन में आग बराबर वर्तमान रहता है, थोड़ा सा ठोक पीजिए तो बस उखड़ जाओगे आप, संभाल नहीं पाओगे आप। मंगल यदि बुध के साथ है तो आपका स्किन ड्राई हो जाएगा, सूरज भी जुड़ गए तो बहुत ड्राई हो जाएगा, पापक ग्रह भी जुड़ गए राहु तो डर्मेटोलॉजी के कोई बड़े रोग हो जाएंगे, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन भी हो जाएगा स्किन में। मंगल के साथ गुरु हो तो ये शुभ मित्र मित्र हुए ही है, लेकिन फिर भी
मंगल को जलाने की आदत तो वो छोड़ेंगे नहीं। आपके बड़े भाई को अग्नि का भय रहेगा, गुरु बड़े भाई को बोलते हैं, द एल्डेस्ट बॉर्न। जब यही मंगल शुक्र के साथ रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन कितना भी संवार लो मुश्किल है। और यदि आपने गलत ढंग से शादी कर लिया, बस मुझे ये लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, शादी नहीं होगी तो मैं सबसे कूद जाऊंगा या कूद जाऊंगी, तो ईश्वर आपकी रक्षा करें। और आपके कुछ ग्लैंड्स डिफेक्टिव रहेंगे मंगल के कारण, शुक्र ग्लैंड्स को भी बोलते हैं, तो आपके शरीर के कुछ ग्लैंड्स डिफेक्टिव रहेंगे। और आपके शरीर में जो कमनीयता है, जो लोच है, जो सौंदर्य है, उसको थोड़ा ये कम कर देंगे, स्वभाव को उग्र बना देंगे। और यदि मंगल और शनि के साथ हैं तो आपके कुंडली में अनिष्ट करने का एक बहुत बड़ा साधन भगवान ने रख दिया आपके कुंडली में। शनि मंगल ठीक नहीं, और मंगल यदि राहु के साथ है तब भी आपके लिए भगवान कुछ गड़बड़ या पिछले जन्म के किए हुए कुछ दंड को देना चाहते हैं, जो रहस्यमय तरीके से आपको मिलेगा। कुछ बड़ी बीमारी भी हो सकती है आपको। और यदि मंगल केतु के साथ है तो सर ऑपरेशन से बचिए। जब भी ऑपरेशन कराइए तो चेकआउट योर मुहूर्त, चेकआउट योर डेट्स, ऑस्पिशियस डेट। नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र परम मित्र, इसमें मित्र परम मित्र सक्सेस साधक संपद, ऐसे दिन में ही आप करा सकते हैं। और वो भी ऑपरेशन वगैरह कराने के पहले नवग्रह का पाठ कम से कम 27 बार करना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। दिस बिकम्स वेरी वेरी डेंजरस एंड इंजूरियस टू द फिजिकल फॉर्म ऑफ द बॉडी। मंगल देखिए क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन यदि मंगल आपके शुभ हैं, 10 नंबर में हैं, उनके ऊपर बुद्ध की भी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो उसका इज द लिमिट, कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये हमने मंगल के बारे में थोड़ी सी बात की, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं मंगल की। एनीथिंग डीलिंग विथ फायर, जैसे मान लीजिए किसी का कुंडली में मंगल 11th हाउस में है, पॉजिटिव है, 2nd हाउस में है, पॉजिटिव है, और एकदम गरीब आदमी है, सर्वहारा, कुछ नहीं है उसके पास, नंगा फकीर, एक फटी गंजी पहन करके आपके पास खड़ा हो गया कि सर थोड़ा सा उधार कर देंगे, तो आपको बोलिए धान का जो गाछ है पुआल, यार उसको ले आओ काटो, और जिनके पास पशु है कि यह बैल है उनके यहां जाके बेचो, उधार हो जाएगा तेरा। जब थोड़ा पढ़े लिखे हो, टेक्निक आता है तो मिट्टी जहां पर ईंटें बनाए जाते हैं वहां पर काम कर लो, इसे सिविल इंजीनियर के यहाँ काम कर लो, बहुत सारे रास्ते हैं। तो मंगल को मैं कुछ और चीज बता रहा हूं आपको, जैसा हमने कुछ लिखा है समझने के लिए, आग, लोहार, बिस्कुट की फैक्ट्री, सेनाध्यक्ष, गुड़, रसोई घर, मैशन रूम, हड़ताल भी ये मंगल कराते हैं। हड़ताल में भी मंगल की बड़ी भूमिका होती है, यानी स्ट्राइक, चाहे वो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हो, चाहे जो भी, जिस तरह से भी स्ट्राइक हो,
group of persons, they restore to violence and the system of violence to achieve their aims. Aaron Khan mines, mostly जो जमीन से ऊपर होते हैं, खास करके लोहे, मैंगनीज, ऐसे खान जो जमीन के ऊपर, क्वार्ट्ज वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। शरीर के अंदर में खून, ब्लड से हीमोग्लोबिन भी यही रिप्रेजेंट करेंगे, बोन मैरो भी रिप्रेजेंट करेंगे, और शरीर के अंदर जो पुट्ठे हैं, मसल्स हैं, जो शक्ति है, ये भी यही रिप्रेजेंट करेंगे। यही मंगल खोपड़ी को भी रिप्रेजेंट करता है, आईब्रो से ऊपर, ब्रेन, केस वगैरह सब। ये यही मंगल टेस्टिज, हाइड्रोसिल में जो टेस्टिज गुल्लियां रहती हैं, उसको भी इंडिकेट करते हैं। यही मंगल पॉटी करने के स्थान को भी इंडिकेट करते हैं। यदि किसी की कुंडली में 8 नंबर में मंगल और केतु भी साथ में सटा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि इनको पाइल्स है। अब नहीं है तो हो जाएगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, समझ लीजिए। और मंगल आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, कोंकण जो आजकल गोवा कहलाती है, गोवा है, केरल है, द्रविड़ का इलाका है, अवंती है, चोल देश है, नर्मदा के किनारे की जगह है, सिंधु महानदी, गोदावरी, दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल ही होते हैं, दंडक वन, सोन नदी से दक्षिण क्षेत्र मंगल का है, गंगा नदी भी मंगल रिप्रेजेंट करने लगते हैं, उज्जैन, क्षिप्रा, मलेक्ष प्रदेश, हस्तिनापुर, कपूरथला और पंजाब। ये तीन जगह को याद कर लीजिए, ये ज्यादा काम आएगा आपको। जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली मोटा मोटी, कपूरथला और पंजाब। विदेशों के लिए ये ऐसे जगह को जहां पर बहुत बड़ा, जिनके पास बहुत बड़ा इलाका हो, जहां पर खेती की जाती हो, वो या बहुत बहुत आग या भट्टियां जहां लगाई जाती हैं, जैसे सोलर प्लांट वगैरह है, ऐसे देश जहां पर अग्नि गैस वगैरह का इंतजाम ज्यादा है, एनीथिंग फायर, एनीथिंग हीट, एनीथिंग। अब ये मंगल है, यदि 4, 8, 12 में है, 10 में भी है, तो 4, 8, 12 और 10 ये पूर्णतः जल राशियां हैं, 100%। तो क्या है, मंगल आग हो गया जल में, तो ऐसा पानी जो गर्म है, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, और ऐसी तीर्थ स्थान या कुंड जहां पर गर्म पानी मिलती है, मंगल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब जिसके कुंडली में मंगल मारक हो और मोस्ट डेंजरस हो, वो तो ऐसे तीर्थ स्थान में उतरिए नहीं, पानी में उतरिए नहीं आप। तो थोड़ा कहा, ज्यादा उसको समझ लीजिए आप। और अभी ये मिथुन राशि में पहुंचेंगे 16 तारीख को। मैं 16 तारीख के लिए ही बोल रहा हूं। मंगल 16 तारीख को मिथुन राशि में जाएंगे, अभी वृषभ राशि में है। तो चूंकि ये मिथुन राशि में 16 तारीख को जाएंगे, तो मिथुन राशि जो है वो इटली को रिप्रेजेंट करती है, मेलबोर्न को रिप्रेजेंट करती है, लंदन को रिप्रेजेंट करती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि कैलिफोर्निया को रिप्रेजेंट करती है, यूरोप को रिप्रेजेंट करती है, आर्मेनिया को रिप्रेजेंट करती है। और आग इसमें जाएंगे, मंगल माने आग,
स्थिति नाजुक है, देश की स्थिति, पूरे विश्व की स्थिति नाजुक है, कुछ लोग पगला गए हैं। इतना अभिमान, इतना आत्म अभिमान, बस मैं ही बड़ा हूं, मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ईश्वर की कोई स्थिति नहीं है, वहां पे भगवान नहीं होते हैं। मैं हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भाग्य नियंता हूं, मैं चाहूं तो आप जिंदे रहो, नहीं चाहूं तो आप मर जाओगे। ऐसी स्थिति लोगों के मन में डूब गई है, इतना बड़ा अभिमान, और ये लोग जला के राग कर देंगे देश को, दुनिया को, लोगों को, जनसंख्या आदि से ऊपर जनसंख्या मर जाएगी। भारतवर्ष में हम लोग 113 करोड़ की जनसंख्या है। लेट अस प्रे टू गॉड कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, इनको अपने शरण में लीजिए, शांत कीजिए इनको। नहीं तो जितने प्राणियों को आपने जन्म दिया है, सारे के सारे ये नष्ट कर देंगे, चाहे वृक्षों, चाहे कीट पतंग हो, चाहे मकोड़े हो, कुछ भी हो, जो भी जीव है, जिसमें भी आत्मा है, सब नष्ट हो जाएगा, आपकी सृष्टि नष्ट हो जाएगी भगवान। सो लेट अस प्रे टू गॉड इनके अंदर में कुछ गुड सेंस प्रिवेल करे। तो अभी की जो स्थिति है इनकी, वो मंगल अमंगल अभी ज्यादा करने जा रहे हैं। और मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि भारतवर्ष में जब मिथुन राशि प्रभावित रहती है तो भारतवर्ष में कुछ ऐसा दुख आ जाता है जो सब दिन याद रहता है। तो ये मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन कम दिनों के लिए रहेंगे, ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। ये फिर लौट करके वृषभ राशि में आ जा रहे हैं। मिथुन राशि में इनकी दशा दुर्दशा ज्यादा दिन की नहीं है। जो मैं सोच रहा था भारतवर्ष के लिए थोड़ा अच्छी स्थिति नहीं है मिथुन का मंगल, तो थोड़े बहुत अशांति हो सकते हैं लोकल लेवल में बोल रहा हूँ। हमारे देश के जो अशांत करने वाले लोग हैं, अशांत करने वाले जितने लोग हैं, हम एक नंबर मंगल रिप्रेजेंट करते हैं और एक नंबर हमारे एक दिन पहले जो स्वतंत्र हुए वो हैं। भारतवर्ष 2 नंबर का लग्न है, तो उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, ज्यादा दिन तो नहीं रहेंगे। ये 13-11 तक, 16-10 से 13-11 तक ये मिथुन में रहेंगे। मिथुन में हमने लिखाया अब्रॉड में कौन कौन सा जगह है, कैलिफोर्निया है, फ्रांस है, बहुत सारे जगह है, लंदन है, यूरोप है, और हमारे देश में भी ऊपर का क्षेत्र है। स्टंट जोन के भी हैं,
28 दिन के आसपास हैं, भगवान ना करे कि इस बीच में कोई ऐसी घटना घटे। अपोजिशन वालों से भी बोलता हूं जो भारतवर्ष के राजनीति में हैं, सब तोड़फोड़ की गुंजाइश ना रखें। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम लोग डेमोक्रेसी के रास्ते पर चले, संविधान के रास्ते पर चले। और हमारे यहाँ जीसस क्राइस्ट का कहना है कि यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसको कर दो, सभी थप्पड़ मार लो, संतुष्ट तो हो जाए। हालांकि ये दया की भावना है, क्रिश्चियनिटी जो है वो दया में आता है, काइंडनेस। जैन जो है अहिंसा में आता है, बौद्ध धर्म तपस्या के लिए है। हिंदू धर्म प्रार्थना, मंत्रोच्चारण, यज्ञ इसमें आता है। तो ऐसे सब धर्म के की वर्ड्स हैं। कारण कि अभी यदि मैं कहूं कि हिंदुत्व ये है वो है ये बताऊं तो कल को मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, सब लोग चिल्लाने लगेंगे। मैं पॉलिटिक्स में तो कभी जाता ही नहीं हूं, तो अभी समय नहीं है उन सब चीजों के बताने के लिए। लेकिन मैं इतना तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हम लोग सबको ही मिलकर के प्रार्थना करें कि भगवान इन लोगों को ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, स्वस्थ मेंटलिटी दीजिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्पित हो मेरा मनुष्याय, ऐसी भावना सबके अंदर में दीजिए ताकि भारतवर्ष जैसे प्रगति कर रहा है वैसे प्रगति करता रहे। हमारे देश के जो ज्ञानी लोग हैं, आप उनको महात्मा के नाम से भी बोल सकते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको आप महात्मा एडजेक्टिव लगा के बोल सकते हो, आप उनके अंदर में इतना ज्ञान है, इतना धर्म के प्रति निष्ठा है, इतना लोगों के कल्याण करने के लिए, देश को उत्थान करने के लिए इतना उनके अंदर में उत्तेजना है, एनर्जी है, ताकत है। कॉल मेरे महात्मा, तो मंगल की जो स्थिति है ये मिथुन में है, उसके बाद फिर ये चले जाएंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि को ये छोड़ नहीं रहे हैं, वृषभ राशि को नहीं छोड़ रहे। मिथुन से जब ये वृषभ में लौटेंगे तो पहला नवांश इनका कन्या का होगा और वहां वो राक्षस नवांश है, तो वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। और वो भी बुध का ही नवांश होगा जिसका दूसरा टुकड़ा मिथुन राशि ही होता है। बुध के दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो मंगल के बारे में कुछ और बातें मैं कल करूंगा, आज थोड़ा सा ही सोचा हूँ बताने के लिए। कल से नवांश के साथ बात करूंगा ताकि आप समझ पाए मैं क्या बोलना चाहता हूँ मंगल के लिए। और मिथुन राशि में जब तक हैं तब तक स्थिति ठीक नहीं है, खास करके भारतवर्ष के लिए। जब मिथुन में पापक ग्रह आते हैं तो भारतवर्ष की स्थिति में थोड़ा सा उथल पुथल तो हो जाता है। भगवान ना करे कि ऐसा हो, ईश्वर करे ऐसा ना हो, मेरी बात गलत हो जाए। तो कल मैं या परसों नेक्स्ट में जब आऊंगा तो थोड़ा नवाज के साथ डिटेल बताऊंगा।
ये तो मैंने आपको परिचय दिया, मिथुन राशि किन किन क्षेत्रों को दर्शाते हैं उसका परिचय दिया, मंगल किन किन चीजों को दर्शाते हैं और कौन सा क्षेत्र है वो भी हमने आपको बताया। आगे की कहानी अगले एपिसोड में, आज यहीं तक, नमस्कार।